अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले वाली जो तरकारी होती है जो पूरियों के साथ खाई जाती है, हलवा पूरी के साथ। तो आज मैं आपको छोले और आलू की मिक्स तरकारी बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आलू की तरकारी भी हम बनाएंगे आगे अलग। और पूरियाँ जो है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। तो जो हमें छोले वाली तरकारी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। छोले लिए हैं मैंने 100-250 ग्राम्स और इसको तकरीबन होल नाइट इसको मैंने सोडे में भो के रख दिए थे और उसके बाद में इसमें लेमन फूड कलर इसमें डाल के और सिंपल बॉयल कर लिए। ग्रीन कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर जो है, हरा धनिया और एक हरी मिर्च मैंने कट करके रख ली है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। एक प्याज ले लिए मैंने, इसको रफली कट करके रख लिया है। एक आलू है मैंने बॉयल करके कट करके रख लिया है। और पानी हसबे ज़रूरत है, यहाँ मैंने 2 गिलास रखा है, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं यूज़ करूँगी। साबुत धनिया है ये 1 टीस्पून है, ये जाएगा इसके अंदर। कलौंजी है 1 टीस्पून जाएगी। सफ़ेद ज़ीरा है ये भी 1 टीस्पून जाएगा। 1/2 टीस्पून मेथी दाना है ये भी जाएगा। सौंफ जाएगी 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 एंड 1/2 टीस्पून। ऑयल हसबे ज़रूरत, ज़्यादा नहीं जाता है इसमें, थोड़ा सा जाएगा जितना आपको ये नज़र आ रहा है, 1/2 प्यारी के करीब है ये जाएगा। सॉल्ट अकॉर्डिंग योर टेस्ट। हल्दी 1 टीस्पून, चिली 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई कसूरी हुई मेथी है ये भी 1 टीस्पून, और ये 1 टेबल स्पून के करीब हमारा पिसा हुआ धनिया है, ड्राई कोरिएंडर पाउडर जो होता है। तो इन सब चीज़ों से अब हम तरकारी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी, ये प्याज चॉप की हुई ये डाल दूंगी इसमें। थोड़ा सा प्याज को नरम करना है, ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कलर इसका पिंक हो जाए तब हम इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये देखें पिंक हो गई है, अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी और ये मसाले डालूंगी, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, कलौंजी, ये ड्राई मसाले हैं सारे। आप रेड चिली में चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पिसी भी डाल सकते हैं और चिली कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका जिंजर गार्लिक की थोड़ी सी स्मेल निकल जाए। बहुत से लोग इसमें अचार भी ऐड कर देते हैं, लेकिन अचार के तो तमाम मसाले हम इसमें खुद ही डाल रहे हैं, तो इसमें हमें अचार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर थोड़ा सा आपको खट्टा टच चाहिए तो आप थोड़ा सा इसमें सिट्रिक एसिड या टार्टरी के 1 पिंच डाल सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में मिलती है उसमें या तो ये लोग टमाटर का यूज़ करते हैं और या फिर सिट्रिक एसिड डालते हैं। 1 पिंच के करीब सिट्रिक एसिड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको भूनना है हमें, जिंजर गार्लिक की स्मेल निकल जाए। तकरीबन 1 मिनट और भूनूंगी मैं इसको। अब इसके अंदर ये छोले ऐड कर रही हूँ मैं, अब ये आलू भी डाल रही हूँ मैं इसमें साथ में, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, पानी की हमें और ज़रूरत भी पड़ेगी अभी, 1 गिलास के करीब मैं और पानी डालूंगी इसमें, अभी टोटल 2 गिलास हो जाएगा इसमें पानी, क्योंकि आपने देखा होगा जब तरकारी थोड़ी सी लिक्विडी होती है लेकिन इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल पानी हो जाए, तो इसलिए मैं इसमें 2 गिलास के करीब डालूंगी और थोड़ा सा पकाऊंगी। अब इसमें हम तकरीबन आधा अभी डाल देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आधा और डाल देंगे। अब थोड़ी देर इसको हम 5 मिनट के करीब अच्छा खासा पकाएंगे। ये पूरा गिलास भी मैंने डाल दिया। और एक चीज़ के जो आलू मैंने डाले हैं और छोले, आपने देखे होंगे थोड़े थोड़े घुटे हुए होते हैं, तो इसको इस तरीके से मैं चलाऊंगी कि ये थोड़े से मैश हो जाएं और आधे सही भी रहें और आलू हमारे अच्छे तरीके से थोड़े से घुट से जाएं। अब मैं 5 मिनट के लिए इसके ढक्कन लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करूंगी। 5 मिनट्स के बाद देखते हैं इसकी क्या पोजीशन होती है। आफ्टर 10 मिनट्स मैं आई हूँ, देखें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको पकने की थोड़ी ज़रूरत है। 10 मिनट हुए हैं इसको उबाल आने के बाद, मैंने इसको तकरीबन पकाया है और थोड़ा सा ये, क्योंकि ये आपने देखा होगा थोड़ा सा घुटा हुआ होना चाहिए इसमें। अब मैं इसमें ये हरा धनिया और कोरिएंडर डाल रही हूँ, इसको थोड़ा मैं इसलिए चला रही हूँ चम्मच
इसलिए कि छोले जो हैं हमारे बिल्कुल थोड़े आधे मैश हो जाए और बिल्कुल तरकारी का लुक आपने देखा होगा, बिल्कुल साबित छोले नहीं होते, उसमें थोड़े से घुटे हुए होते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी और चाहिए, वैसे इतनी होती है नॉर्मली, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी और चाहिए तो आप इसमें हाफ ग्लास पानी डाल के 2-4 मिनट और पका सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन थोड़ा सा हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया बस, और इसको 2-4 मिनट या 5 मिनट पकाऊंगी और फिर इसको सिंपल डिश आउट कर दूंगी। इस बिटवीन जब तक इसका उबाल देखें अच्छे तरीके से आ रहा है, मैं चम्मच चलाती रही हूँ ताकि हमारा तरकारी का जो है लुक ज़रा अच्छे से पका हुआ आए, बिल्कुल घुटा हुआ नॉर्मल। पूरी के साथ खाएंगे, पूरी आपको पहले मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो हलवा होता है, इंशाल्लाह मैं आगे अपनी रेसिपीज़ में पूरी के साथ खाने वाला हलवा भी डालूंगी वीडियोस में, और आलू की तरकारी भी डालूंगी। अब मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद में सिंपल डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारी तरकारी बन गई है। ये हमारी छोला तरकारी देखें तैयार है, और इसके साथ आप पूरियों के साथ इसको सर्व करें और अपने घर में ज़रूर बनाएँ, और बहुत ही ईजी है, जल्दी बन जाती है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और इसके अलावा जब तक मैं कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके आती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।